तो डीसी अपने रसोड़ा में कुछ बड़ा पकाने वाला है, और जिस तरह से उसने डीसी फैंडम में अपने ट्रेलर्स को डिस्प्ले किया है तो उससे ये तो कह सकते हैं कि आने वाली फिल्म से हमें एक अच्छा क्रॉसओवर देखने मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम ब्लैक एडम के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैसे खास इतने व्यूज तो आते नहीं है, पर फिर भी क्या करें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। This is Black Adam. तो सबसे पहले इस फुटेज के बारे में बात कर लेते हैं। फुटेज में हमें ड्वेन जॉनसन उनकी वॉइस ओवर के साथ दिखाई देते हैं। वहाँ दी रॉक ड्वेन जॉनसन खुद कहते हैं कि उन्होंने इस मूवी के लिए 10 साल जितना इंतजार किया है। ड्वेन जॉनसन हमें एक टॉम के अंदर दिखाई देते हैं, तो ये वही टॉम हो सकती है जहाँ पे ब्लैक एडम हजारों साल से कैद था, और मूवी में वो प्रेजेंट डे पर वहाँ से आज़ाद होगा। बाद में हमें ब्लैक एडम की बैक स्टोरी देखने मिलती है, जहाँ पे एक 5000 साल पुराने खंदक शहर के बारे में बताया गया है, जहाँ पे पैसा था, पावर्स थी, एक अच्छा कल्चर था और मैजिक था। फिर हमें एडम की स्लेव बैक स्टोरी देखने मिलती है, क्योंकि मूवी में वो विलन होगा तो कुछ हमदर्दी वाली कहानी भी होनी जरूरी है। अब आगे हम देखते हैं कि गुलामों को एक हीरो चाहिए जो उन्हें बचा सके, और उन्हें एक हीरो की बजाय ब्लैक एडम मिलता है। फिर हमें एक पावरफुल सीन देखने मिलता है, तो जैसे शज़ाम में बिली बैटसन को पावर्स मिली थी तो यहाँ पे ब्लैक एडम को भी उसी विजार्ड से पावर्स मिली होगी। अगले सीन की बात करें तो वहाँ पे हम विजार्ड को ब्लैक एडम से फाइट करते हुए देख सकते हैं। ब्लैक एडम विजार्ड से ये कहता है कि उसने वही किया जो उसे करना जरूरी था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लैक एडम कहना चाहता है कि गुलामों को बचाने के लिए उसने सभी पावरफुल लोगों को मार दिया है जो उनसे गुलामी करवा रहे थे, तो साथ ही उसने कई बेकसूरों को भी मारा होगा, तो इसलिए विजार्ड्स ने उसे कैद कर लिया होगा। फिर हम एक पर्पल स्टोन को देखते हैं, जहाँ पे वो 5000 साल से कैद था, और अब वो मॉडर्न एरा में प्रेजेंट डे पर वहाँ से आजाद होगा। कॉमिक्स में ब्लैक एडम को बाहर निकलने में डॉक्टर सिवाना का हाथ था। डॉक्टर सिवाना जो की शज़ाम में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ अलग स्टोरी देखने मिल सकती है। फिर हम ब्लैक एडम को खंदक के थ्रोन पर देखते हैं, जो ये रिवील करता है कि वो फिर से खंदक को रूल करना चाहता है, या तो फिर खंदक को फिर से रिनोवेट करना चाहता है। फिर हमें कुछ नए कैरेक्टर्स ब्लैक एडम के साथ टीम अप करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मेंबर्स। अब आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करूँ उससे पहले इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला कैमियो हमें हॉकमैन का दिखाया गया है। हॉकमैन ओरिजिनली इजिप्शियन प्रिंस खुफू द्वारा किया गया इनकार्नेशन है, यानी कि हॉकमैन का अलग अलग जनरेशन में पुनर्जन्म होता रहता है, और कॉमिक्स में भी हमें हॉकमैन के सेवरल इनकार्नेशंस देखने मिलते हैं। तो ये कैरेक्टर गॉडली है, उसके पास गॉड की सभी पावर्स है, उसके पास एंशिएंट वेपन्स है, और अगर ध्यान से देखें तो ये कैरेक्टर गॉड्स ऑफ इजिप्ट के एंशिएंट गॉड से काफी मिलता जुलता है, और अगर वो किसी को तथास्तु भी बोल दे तो उनका काम भी हो जाएगा। अगला कैरेक्टर है डॉक्टर फेट का। डॉक्टर फेट को भी एक इजिप्शियन टॉम से ही पावर्स मिली थी। इसकी स्टोरी भी कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी ही है, जिसे किसी विजार्ड ने उसे मैजिक के बारे में सिखाया, और बाद में उसे मैजिक हेलमेट, एमुलेट और एक क्लॉक दिया। अगला कैरेक्टर है एटम स्मैशर का, जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, और एंटमैन की तरह वो 60 फीट जितना बड़ा बिना किसी प्रॉब्लम से हो सकता है, और कॉमिक्स में इसकी नॉर्मल हाइट है 7 फीट 6 इंचेस। ये एक मेटा ह्यूमन है, और इसके नाम की तरह वो एटम्स को मैनिपुलेट कर सकता है। इसी टीम की फोर्थ और फाइनल मेंबर को देखें तो वो है साइक्लोन। उसके नाम से ये तो कह सकते हैं कि इसकी पावर्स मार्वल की कैरेक्टर स्टॉर्म से सिमिलर हो सकती है। साइक्लोन का कैरेक्टर डीसी कॉमिक्स में 2020 में क्रिएट किया गया है, तो फिलहाल इसकी पावर्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, पर यह कैरेक्टर स्टॉर्म से काफी मिलता जुलता है। आगे के सीन में हम ब्लैक एडम को JSA के साथ मिलिट्री फोर्स के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। साथ ही फुटेज में ड्वेन जॉनसन जस्टिस लीग के सामने क्रॉसओवर करने की बात करते हैं, स्पेशली वो सुपरमैन के बारे में ज्यादा मेंशन करते हैं। लाइक एंड ऑफ द डे हमें शायद ब्लैक एडम और सुपरमैन आगे दोस्त के जैसे दिख भी सकते हैं। Who knows? Maybe we'll see. तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लैक एडम सुपरमैन से फाइट करने की बात कर रहा है, तो हमें आगे जस्टिस लीग में ब्लैक एडम का क्रॉसओवर देखने मिल सकता है, तो अभी ये कंफर्म तो नहीं कह सकते। और अगर दूसरी तरफ देखें तो जैकरी लिवाई ने भी ये कहा था कि जस्टिस लीग 2 में वो जस्टिस लीग को ज्वाइन करने वाला है, तो शायद हमें जस्टिस लीग 2 में ब्लैक एडम दिख सकते हैं। फिलहाल अभी तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते जब तक कि और नई अपडेट्स नहीं आ जाती। तो आपकी क्या थॉट्स है ब्लैक एडम के ट्रेलर को लेकर, और आप इस मूवी के लिए कितने हाइप है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिस तरह से ड्वेन जॉनसन सुपरमैन के बारे में बता रहे थे, तो ऑब्वियसली हमें 2022 तक सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम का शोडाउन भी देखने मिल सकता है, और उस शोडाउन के लिए हमें 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा।